In the name of Allah, my name is Bibi Khadija from Afghanistan. I'm student here. What are you studying here? I'm studying public health major, but it's my second year in Bangladesh. And I think it's enough. Bangladesh I like because of the people. The people is very hardworking and they are like very kind to each other. Assalamu alaikum viewers, main hu Ehsan Khan. Main hu Ali Murtaza. Aur aap dekh rahe hain hamara YouTube channel Ehsan Reaction with Ehsan. Hum ummeed karte hain aap jahan bhi honge enjoy karte honge, maze mein honge aur fit fat honge. Viewers, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का क्रिकेट मैच तो चल रहा था, लेकिन हमने भी देखा, सब ने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड था जो स्टेडियम है उसके अंदर. अफ़गानिस्तान का भी बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे मौजूद था, हज़ारों की तादाद में जो शायकीने क्रिकेट वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन समझ से बाहर था कि कौन इतने ज़्यादा लोग हैं जो ग्राउंड में मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये चीज़ जो है वो खबर वो जो है सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश के अंदर अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वो लीव लेकर के मैच देखने के लिए आए हुए थे, जो है मैच देखने के लिए ग्राउंड में. और देखें वहाँ की लड़की, एक लड़की जो है अफ़गानिस्तान की, उनका इंटरव्यू किया गया. एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा है कि आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है. तो उन्होंने बताया कि हमें तो यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा कि हम किसी और कंट्री में हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ही कंट्री में, बल्कि अपनी से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अपनाइयत मिल रही है. यहाँ पर कोई हमें किसी किस्म की बंदिश नहीं है, हम यहाँ पर दिल खोल के सब कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे हम मैच देखने के लिए आए हैं, वो कह रही हैं कि हम यहाँ पे जब अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करके जब जाएंगी तब हमें जो है वो बंदिशों का सामना करना पड़ेगा. जबकि वो कह रही हैं कि हम इधर मैच देख रहे हैं और अगर हम अफगानिस्तान में होते शायद हमें कोई घर से बाहर ना निकलने देता, और मैच देखने की परमिशन तो बहुत दूर की बात है. वो कह रही है कि मोस्ट जो पॉपुलेटेड है, जो सबसे ज्यादा जो आबादी है बांग्लादेश की 95% लगभग वो मुस्लिम है, यानी मुस्लिम देश है बांग्लादेश भी और साथ साथ अफगानिस्तान भी. लेकिन आप बांग्लादेश में आकर खुले आप घूम सकते हैं, मैच देख सकते हैं और फोटोशूट करवा सकते हैं. बल्कि ये भी चीज़ उन्होंने बताई है कि यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं पेश आया कि हमें किसी ने हैरिस करने की कोशिश की गई. हाँ. हो चाहे वो अफगानी लड़की हो चाहे कोई और कंट्री की लड़की हो, किसी को भी वहाँ पे मैली आंख से नहीं देखा जाता. क्योंकि इससे पहले इंडियन लड़कियाँ भी, इससे बाद कश्मीरी भी और बहुत सी कंट्रीज़ की जो है वो लड़कियाँ, उनके इंटरव्यूज़ हमने आपके सामने भी रखे हैं कि बांग्लादेश कितना सेफ है कि कोई किसी को जो है वो हैरिस करने की नहीं कोशिश कर रहा, बिल्कुल आज़ाद हैं, कोई किसी किस्म का उन्हें मसला नहीं है, वो दिल खोल के घूम फिर सकती हैं, अपने काम काज कर सकती हैं. और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी जब हम मैच देख रहे थे, मैच जीतने की खुशी में हमने जो सेलिब्रेशन की है उसमें लोग, ऑफ कोर्स वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं जब कोई भी अपनी सेलिब्रेशन कर रहा होता है. तो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को हराने के बाद अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि बांग्लादेशी लोग हमारी वीडियोस बना रहे थे, बजाय कि ऐसा होता कि वो हमें जो है वो डराते धमकाते या हमारे साथ लड़ाई करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो इसके ऊपर जो रिपोर्ट है हम पहले रिपोर्ट देखते जी हैं. उनका इंटरव्यू लिया गया है खतीजा बीबी का, वो क्या मजीद कह रही हैं ये बढ़ते हैं, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करते. जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू. From Afghanistan, I'm student here. What are you studying here? I'm studying public health major, but it's my second year in Bangladesh. In the first year, I just studied English language. It's the first year of my major. Okay. And how is Bangladesh and your team is ahead now in this series? So, what's your expectation and what are Afghanistan need? Bangladesh, I think Bangladesh is too hot for us. Like in Afghanistan, the weather is normal, but here the weather is too hot, and we struggle with the weather. And I actually in the previous match I didn't join, and it's the first time I joined in this, and I didn't went yet. I didn't go yet inside, and I will go inside. After that, I will talk about that. Enjoy this game in the stadium before. Yeah,
when I was in Afghanistan, I joined it in the football. It was like very good, but I don't know about the Bangladesh country. What about Bangladesh? How do you like Bangladesh? Bangladesh, I like just because of my study, and the people is like, I accept every people and I have respect for every people all around the world. But Bangladesh is too hard for me, and I like my country more than everywhere in the world. And I think it's enough. Bangladesh, I like because of the people. The people is very hardworking, and they are like very kind to each other. And that's the thing I like Bangladesh. Natural beauty, yeah, it's the same like Afghanistan. We also have a lot of natural beauty. तो व्यूअर्स आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपने देश अफगानिस्तान से प्यार है, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग भी बहुत ही ज़्यादा वो रहम दिल हैं और उसके बाद हार्ड वर्किंग भी हैं, वो उन्होंने खुद बताया है। देखिए बांग्लादेश के लोग जो हैं वो ख़ास करके स्टूडेंट्स जो हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज से आए हुए हैं। वहाँ पे बांग्लादेश की जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में, इस वजह से वहाँ पे आती हैं। लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें कभी भी ऐसा नहीं फील करवाया बांग्लादेशियों ने कि वो शायद किसी और कंट्री में आए हुए हैं। उन्हें घर जैसा माहौल और अपनाइयत ऐसी मिलती है कि वो फील ही नहीं कर पाते कि हम अपनी कंट्री में हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं या हम किसी और कंट्री में रह रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट है बांग्लादेश में जी, खवातीन के बहुत स्पेशली हुकूक हैं जी, और जिसकी वजह से उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच आज़ादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फीमेल हैं वो आपको पता है कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, और यही वजह है कि बांग्लादेश में ख़वातीन चाहे वो बांग्लादेश की हों चाहे वो किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको कदर की नज़रों से देखा जाता है, उन्हें हरासा नहीं किया जाता। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान की ये स्टूडेंट जिसका नाम खतीजा बीबी है बांग्लादेश के बारे में बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दे रही है। बिल्कुल, इंटरव्यू भी आपने देखा। बिल्कुल, सिर्फ बांग्लादेशी ख़वातीन ही नहीं, सॉरी जो अफगानिस्तान की ख़वातीन है वही नहीं बल्कि कोई भी और कंट्री से। इससे पहले हमने रिपोर्ट्स दी थी कि उन्होंने एक लड़की जो कि इंडिया से आई हुई है, स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए आई हैं बांग्लादेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं रात को चाहे 11 बजे मैं जिम से वापस आ रही हूँ, मुझे कभी किसी किस्म का डर खौफ नहीं आया। अपने फ्लैट में मैं आ रही हूँ जिम से तो मुझे कभी भी किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आया कि मैं मुझे कोई हैरेस करने की कोशिश करेगा, बल्कि मैं यहाँ पे लोकल ट्रैवल करती हूँ, बस में ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे कभी भी किसी किस्म का कोई खौफ ख़तरा जो है वो नज़र नहीं आया, जो कि जिससे मुझे ख़तरा ऐसी कोई चीज़ मैंने फील भी नहीं यहाँ पर की। तो यही वजह है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अच्छे होने के साथ साथ हार्ड वर्कर भी हैं और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और उनके साथ मिलकर रहते हैं। इसी वजह से जो है वो लोग बांग्लादेश की तारीफ़ करते हैं, बांग्लादेश के लोगों की तारीफ़ करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।